आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, इसराइल और हमास के बीच खूनी जंग जारी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है और कहा है कि इसराइल गाजा पट्टी में खुद को एक देश की तरह पेश नहीं कर रहा है। इसराइल को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो एक देश की बजाय एक संगठन की तरह काम करेगा तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा।